In the name of Almighty, the Most Merciful, the Beneficent. Dear students, Assalamu Alaikum. Hope you are doing well. Today we are going to sort chapter number 11 of class 10, subject biology, with lecture number 10. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. How many stances? सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट्स आप सब सबने भी यही ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड के अंदर हैं इस यूनिवर्स के अंदर आए हैं सब ने अपने आप को इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एडोप्ट किया है ठीक है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर मेरीन एनिमल्स हैं वाटर के अंदर रहते हैं और वो या वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो किस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है ठीक है ना अब हमें यह भी बताया कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आती रहती हैं लाइक like, टम्परेचर के ऊपर नीचे होना वेदर कंडीशन के अंदर चेंज आना ह्यूमिडिटी के अंदर चेंज आना रेल फॉल के अंदर चेंजेस आना या फिर जो हमारा वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन है इसके अंदर दिन ब दिन जो चेंजेस आती हैं ये जो चेंजेस आती हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर यही चेंजेस इफेक्ट करती हैं एक ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिज्म जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको भी क्या कर रही है ये इफेक्ट करती हैं ठीक है ठीके? फिर किस तरह एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखता है फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर वेरियस प्रोसेस है बॉडी का टम्परेचर ठीक है और बॉडी का ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर आ, सल्यूट्स की कन्सनट्रेशन सॉर्स की कन्सन्ट्रेशन वाटर कन्सन्ट्रेशन तो किस तरह एक इन्वायरमेंट अपने इंटरनल जो उसका एक ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर के साथ इसको हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट होमियस्टास में तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस तरह वाजें लिखा हुआ है कि द बिल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड होमियस्टॉसिस के ऑर्गेनिजम्स की वह सलाहियत जिसमें वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें बैलेंस रखें इक्वल रखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ये क्या कहलाता है ये होमियस्टास का प्रोसेस कहलाता है ठीक है ना जिस हमले में मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन्होंने अपने आप को इस इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट किया है ठीक है कैसे अडॉप्ट किया है किस कौन सी चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने अंदर लाती है ठीक है ना फिर मैंने ये भी बताया कि जितना भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं लाइक टेम्परेचर ठीक है ह्यूमिडिटी वेदर का कंट्रोल कोल्ड होना हॉट आना ठीक है ना टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आना ह्यूमिडिटी के अंदर चेंजेस आना रेनफॉल को कभी ज़्यादा होना कभी कम होना ठीक है ना यही जो चेंजेस हैं ये बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी अफेक्ट करती हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म को इस इन्वायरमेंट के अंदर रहना है तो उसको अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखना पड़ेगा ठीक है ना जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखता है तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है ये होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कहलाता है तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह कौन कौन से इंटरनल इन्वायरमेंट है एक अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल लें अगर आप अपनी एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ तो इस एग्जाम्पल में आप देखें सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमियोस्ट्रासिस इज स्टेट ऑफ स्टीडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अपने इंटरनल फिजिकल प्रोसेस को या केमिकल प्रोसेस को मेंटेन करवाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अगर हम बात करें सबसे पहले ब्रेन की कि हमारा ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस ये क्या करता है कि इट रेगुलेट टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा ब्रेन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को और बॉडी के टम्परेचर को मेनटेन रखता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी का हमारी बॉडी में ये हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है वो कंट्रोल कर रहा है ये इसको 38 होने पे नहीं देता अगर इस पर थर्टी हो जाता है ये इन्वायरमेंट ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो बॉडी अपना प्रोसेस इक्वल नहीं कर पा रही होती ठीक है ना ये टेम्परेचर जो है मेंटेन हो रहा है किसके साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ फिर हम बात करें हमारी बॉडी के किडनी की हमारी बॉडी किडनी क्या कर रही है वाटर का बैलेंस को मेंटेन कर रही है ठीक है फिर हम बात करें इसके बाद आ, हीट की कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो किस तरह मेंटेन हो रही है हमारे ब्लड के जरिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करा रहा है कि के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ फिर अगर हम बात करें पैंक्रियाज की तो हमारे जो पैंक्रियाज हैं ये शुगर के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं ठीक है जी फिर हम अगर बात करें अपने मसल्स की तो जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या कर रहे हैं हीट को रिलीज़ करते हैं तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर एक लीटर ब्लड के अंदर एक ग्राम ग्लूकोज का लेवल है तो हमारी बॉडी क्या कर रही है अपने आप को मेंटेन करवा रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ तो इट इज़ तो फिर यह क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस ठीक है होमियोस्टेसिस फिर एस्पेक्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस क्या होमियोस्टेसिस का कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं ठीक है ना अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की ठीक है ऑस्मो रेगुलेशन की तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सलूट लेवल इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑसमो रेगुलेशन ठीक है ना जब बॉडी अपने बॉडी जब बॉडी सल्यूट्स और वाटर के लेवल को मेंटेन करती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑसमो रेगुलेशन का प्रोसेस ठीक है बाय ऑसमो रेगुलेशन बॉडी बैलेंस ऑफ द लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट ठीक है इस ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी क्या करती है अपने इंटरनल जो वाटर का लेवल है या सल्यूट्स या सॉल्ट का लेवल है इसको मेंटेन करवाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैं फॉर एग्जांपल आपको ये फिश की एग्जांपल देता हूँ कि देखें ये सी फॉर फिश है ठीक है इसने क्या किया है कि अपने आप को मेंटेन करवाया किस काम पे अपने एक्सटर्नल इन्वामेंट के साथ हमें ये तो पता है कि जो फिश है वो पानी के अंदर रहती है ठीक है ना और जब जब पानी के अंदर सलूट की कंसनट्रेशन सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ठीक है तो ये जो जो फ़िश है ये अपने इंटरनल इन्वामेंट के अंदर भी सॉल्ट की कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन को उसके साथ मेनटेन रखेगी ठीक है अब ये देखेंगे कि किस तरह ये मेंटेन रखती है एक फिश अपने ऑसमें रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे करती है वाटर लॉस थ्रू स्किन जब इंटेक्सटनल ये बॉडी के मैंटेनेंस के अंदर जब उसको ये चेंजेस फील होती हैं वो क्या कर रही होती है वाटर लॉस कर रही होती है ठीक है ना अपनी स्किन के प्रोसेस के जरिए फिर अगर उसको चेंजेस दोबारा करनी पड़े तो क्या करती है वो ड्रिंक्स लॉर्ड्स ऑफ सी वाटर फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को भी कर रही होती है फिर कंसनट्रेटेड सॉल्टी यूरिन को भी क्या कर रही होती है आ, अपनी स्किन के प्रोसेस के जरिए या दूसरे एक्सक्रीशन प्रोसेस के जरिए इसको रिलीज आउट कर रही होती है तो ये बॉडी ये फिश क्या कर रही है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन कर रही है किस कौन कौन सा प्रोसेस कर रही है वाटर के लेवल को मेंटेन रख रही है और सल्यूट के सल्यूट्स के लेवल को क्या कर रही है मेंटेन रख रही है सलूट्स के अंदर क्या आते हैं सॉल्ट आते हैं तो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सलूट्स लेवल इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑसमो रेगुलेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट की एक्सक्रीशन का प्रा प्रोसेस द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इस कार्ड एस्क्रीशन इसे हम ये भी कह सकते हैं या एस्क्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सेल्यूट्स के बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटांसेस हैं हार्मफुल सेल्यूट्स हैं जो बॉडी के लिए हार्मुल हैं ठीक है ठीके? जो बॉडी को नुकसान दे रही हैं जब बॉडी उनको एलिमिनेट करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको एलिमिनेट करें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस बोलते हैं ठीक है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिया अमोनिया एंड यूरिक एसिड और एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक यूरिया हो गया अमोनिया हो गया यूरिक एसिड हो गया इसको क्या कर रही होती है रिलीज आउट कर रही होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तो ये बॉडी क्या कर करिए होमोस्टैसिस का प्रोसेस कर रही है, है। किसके स्पेक्ट के जरिए एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए ठीक है ना जिस तरह क्या हमारे अगर हम लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म की बात करें कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मल के ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे हैं कि है है? देखें जब एक ऑर्गेनिज्म uh, जब एक्सक्रीशन करेगा अपनी बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड को निकालेगा अब वो यूरिक एसिड को क्यों निकाल रहा है क्योंकि यूरिक एसिड क्या है उस बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है उसके लिए वो हार्मफुल है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है ठीक है फिर थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जिस तरह थर्म मीन टेंपरेचर ठीक है ना ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना यहाँ पे थर्म क्या है टेंपरेचर जब बॉडी अपने टेंपरेचर को मेंटेन रखती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर इज इन नॉर्मल रेंज ठीक है ना जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कहलाता है ठीक है ना हमें इस बात को पता है कि ईच इंजाइम वर्क बेस्ट एट सटेबल बॉडी टेम्परेचर कि जो इंजाइम अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं ठीक है ना जो इंजाइम अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये क्या कर रहे होते हैं ये सौरभ प्रोसेस कर रहे होते हैं ठीक है ना अगर हम बात करें कि जिस तरह इंजाइम थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे अपना प्रोसेस अपना एक इक्वल एक नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं अगर ये टेम्परेचर बॉडी का थर्टी सेवन से अप होता है या थर्टी सेवन से डाउन होता है तो एंजाइम क्या होते हैं डी नेचर हो जाते हैं एंजाइम अपने लेवल को छोड़ जाते हैं ठीक है ना अपने लेवल से हट जाते हैं और अपना प्रोसेस स्टॉप कर लेते हैं तो जब एंजाइम अपना प्रोसेस स्टॉप करेंगे तो क्या होगा बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी ठीक है ना फिर चेंजेस इन इन्वायरमेंट ऑफ़ एक्सटर्नल इवायरमेंट एफेक्ट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो जितने भी एक्सटर्नल टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं अगर टेम्परेचर बाहर का थर्टी 38, 39 या 40 डिग्री सेल्सियस पे या 45 फाइव को जब पहुँचता है ठीक है ना तो ह्यूमन बॉडी के लिए उस अनवायरमेंट के अंदर रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर क्या है क्या ह्यूमन बॉडी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता से मैंटेन करवाती है उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ठीक है ना फिर हमें यह पता है कि इन हमेशा ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल टेंपरेचर विद अ टॉलरेबल रेंज इट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन प्रोसेस ठीक है ना कि जिस तरह एक बॉडी है वो अपने आप को मेंटेन करवाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सटर्नल टेंपरेचर के साथ ठीक है ना तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस अब थोड़ा बहुत इसको डिफाइन कर लेंगे लेते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स इंटरनल टेंपरेचर इन अ स्पेसिफिक रेंज इन अ नॉर्मल रेंज ठीक है ना कि वो टम्परेचर बॉडी का जिसके के अंदर तमाम बॉडी के फंक्शंस एक नॉर्मली परफॉर्म हो रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस ठीक है ना ये आगे एक एग्जांपल है इस एग्जांपल से आप अपनी ईजिली अपने, अपने आप को देख लेंगे कि किस तरह बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को इंटरनल टम्परेचर को मेनटेन करवा दिए तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि जो सोलर रेडिएशन हैं सन लाइट एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ रही है तो ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है ठीक है ना इसको इफेक्ट कर रही है तो किस तरह अपने आपको मेंटेन करेगी थर्मोलो रेगुलेशन के प्रोसेस के जरिए एक तो वो ऑपरेशन का प्रोसेस करेगी कि हम जब सांस लेते हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर से हीट को भी साथ बाहर रिलीज़ करते हैं ठीक है ना फिर रिस्पायरेसन का प्रोसेस के अंदर क्या होती है हीट रिलीज़ होती है फिर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मोटाबोलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ठीक है ना जितने भी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के प्रोसेस हैं ये सब क्या ये सब क्या कर रहे होते हैं कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन रखवा रहे होते हैं ठीक है ना तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कहलाता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है ठीक है थ्री टाइप्स हम जो मेन इसमें पढ़ेंगे एक है मीजोफाइट्स ठीक है दूसरा प्लांट्स के अंदर कौन से होता है हाइड्रोफाइट्स तीसरा जीरोफाइट्स फिर हेलोफाइट्स ये जो चार मेन जो इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर होती हैं हम इसको आगे वन बाई वन पढ़ेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीजोफाइट्स से जिस तरह के मीजो ठीक है मीजो मीन मीडियम ठीक है ना मीज़ोफाइट्स मीन मीडियम एंड फाइट मीन प्लांट जैसा कि इस वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि वो प्लांट जो एक मीडियम इन्वायरमेंट के अंदर रहें ठीक है ना जो एक मीडियम टम्परेचर मीडियम इन्वायरमेंट मीडियम रेंज के अंदर रहें तो उन प्लांट्स को तो हम क्या बोलेंगे मीजोफाइट्स प्लांट बोलेंगे ठीक है ना कि दो प्लाट्स विच ग्रो इन प्लेस देट आर ना इधर वेट और ना इधर ड्राई कि वो प्लांट्स जो उन जगह पर रहें जहाँ पे ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा खुशकी भी ना हो ठीक है ना दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लैंड्स प्लांट्स तो इन प्लांट्स को हम कौन से बोलेंगे वो प्लांट्स जो एक लैंड पे होते हैं ठीक है ना नॉर्मल इलाकों के अंदर होते हैं जहाँ पे टम्परेचर भी नॉर्मल रहता है जहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा नहीं होती जहाँ पे पानी भी ज़्यादा कम नहीं होता एक नॉर्मल सा इन्वायरमेंट होता है ठीक है जब एक कोई प्लांट उस नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे ट बोलेंगे ठीक है अब हम इसको अगर फर्दर डिफाइन करें कि नॉर्मल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ठीक है थीके? इसके क्या क्या कैरेक्ट्रिक्स हैं मीजोफाइट प्लांट्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि किस तरह वो अपने आप को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर रखेगा जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होगा और ज्यादा कम टेम्परेचर भी नहीं होगा ठीक है ना जहाँ पे ज्यादा नमी भी नहीं होगी ज्यादा वेट भी नहीं होगी और ज्यादा कंडीशन ड्राई की भी नहीं होगी ठीक है तो अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि रूट हेयर्स और वेल डिवेलप जो ये प्लांट्स मिजोफाइट्स होते हैं सबसे पहला करेक्टर इनका ये है कि इनकी जो रूट सिस्टम है ये वेल well डिवेलप्ड होता है ठीक है ना इनकी रूट्स जो है, well developed होती हैं वो वेल डिवेलप होती हैं दे हैव ऑल डिवेलप्ड रूट सिस्टम और इनका जो रूट सिस्टम है ये वेल डिवेल्प सिस्टम होता है ठीक है ना इनकी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स एक कंप्लीट रूट सिस्टम इनका काम कर रहा होता है ठीक है ना जो इन्हें हेल्प आउट कर रहा है कि इस environment, एक एक मीडियम इन्वायरमेंट के अंदर ये रह सकें लीव्स और डॉर्क ग्रीन विद थिन एपिडर्मिस कि जो इनके जो लीव्स होते हैं मिजोफाइट्स प्लांट्स के ये क्या होते हैं ये डॉक ग्रीन होते हैं ठीक है ना डॉर्क ग्रीन क्यों होते हैं इसका भी एक कमल प्रोसेस है हमें पता है कि क्लोरोफिल क्या है ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं तो इनका क्लोरोफिल अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है क्योंकि इनको एक नॉर्मल रेंज के अंदर एक सनलाइट भी मिल रही होती है साथ वाटर का बैलेंस भी इक्वल होता है तो एक अच्छा फोटोसेंस का प्रोसेस ये कर सकते हैं और इनकी जो एपीथर्मस की जो एपीडर्मस की जो लेयर है ये थिन होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स ठीक है फिर इन रेनी सीजन दे ऑब्जॉर्व मोर वाटर फिर जो ये प्लांट्स मिजोफाइट्स के हैं रे बारिशों के मौसम में जब आ, वेदर के कंडीशन इस तरह की होती है जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर ये ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं ठीक है फिर जो इनकी स्टेम होती है ये सॉलिड होती है ये क्या होती है ये सॉलिड होती है कुछ प्लांट की स्टेम क्या होती है अंदर से हॉलो होती है कुछ की सॉलिड नहीं होती ठीक है।, है तो ये जो मीज़ोफाइट प्लान्ट हैं इनकी स्टेम क्या है ये सॉलिड होती है वैन देयर इज डेफिशंसी ऑफ वाटर दे ग्रेजुअली क्लोज देयर स्टोमेटा ठीक है इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है मीजोफाइट प्लांट्स की कि जब ये फील करते हैं कि वाटर की डेफिशियसी है ठीक है ड्यू टू सर्टन रीज़न जब वाटर की वाटर uh, इनको नहीं मिल सका जब रेनफॉल कम हुई है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा है कि इनको वाटर की एक्सेसिबिलिटी कम हुई है तो उस कंडीशन के अंदर इनकी एक प्रॉपर्टी यह भी है कि ये अपने स्टोमेटा को क्लोज करवा लेते हैं ठीक है फिर इसी तरह जब इनको एक्सेस वाटर मिलता है जब इनको वाटर कंसट्रेशन ज़्यादा मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं अपने आप को दोबारा खोल देते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है इन प्लांट की बॉडी के अंदर ये क्या करता है इसको रिलीज़ कर लेता है इसको बाहर निकाल देता है ठीक है ना फिर इसके बाद के मोस्टली देयर बॉडी सर्फेस इज कवर्ड विद वैक्सी क्यूटिकल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फिर इसके बाद इस प्लांट की खसूसियत ये भी है कि इसकी बॉडी के ऊपर प्लांट की, की बॉडी सर्फेस के ऊपर एक लेयर होती है वैक्सी लेयर होती है ठीक है वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती हैं जो क्या करती हैं कि जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है प्लांट के अंदर ये इसको प्रिवेंट करती है वाटर को लॉस होने से बचाती हैं ठीक है फिर के इसके बाद अगर हम इसके दूसरे दूसरे जितने भी प्रोसेस को पढ़ें कि इसके अंदर कौन कौन से और करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनमें यह है कि जो जो मीज़ोफाइट प्लांट्स हैं इनका इनकी हाइट और इनका जो वॉल्यूम इन्होंने कवर किया है ठीक है ना जो इनकी कैनोपी है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स है, हेलोफाइट्स हैं या ज़ीरो हैं उनके हिसाब से ये बड़ी होती है ठीक है ना क्योंकि डिपेंड करता है उस इलाके क्यों एडोप्टबिलिटी की ऊपर है जब किसी प्लांट को एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिलती है या उसकी स्पीशी पर भी ये डिपेंड करता है कि जो इनका आ, जो बॉडी का जो लेवल है वो किस तरह अपने आपको मेंटेन रखती है ठीक है अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में ब्रॉसिका भी आता है ठीक है ब्रॉसिका आता है रोजेज आते हैं जैसमिन आते हैं और मैंगो के प्लांट्स आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप अपने टेरेस्ट्रियल प्लान्स देखे क्योंकि आपके घरों के अंदर भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं सारे मीज़ोफाइड्स में आते हैं तकरीबन ठीक है फिर आपके जो आपके रोड के साइड पर जो प्लांट लगे या फॉरेस्ट के अंदर जो मोस्टली प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे क्या टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं मोस्टली ठीक है mostly, ना तो ये सब किस में आते हैं ये मीज़ोफाइड्स के अंदर आते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर रेंज का वाटर में मिल रहा होता है ठीक है और साथ इनको दूसरे जो इंटर की बॉडी कंडीशंस हैं वो इस तरह की अडोप्ट हो चुके हैं कि एक मीज़ोफ्राइट्स की जो इसमें एक ग्रुप बनाई इसमें ये लाए करती हैं नेक्स्ट जो प्लांट है, है इसका आप देखें इसमें इसकी जो आप डायग्राम से आप इसीलिए अपने आप को समझा सकते हैं कि म्यूज़ोफ्रेंड मिज़ोफाइट के प्लांट किस तरह के होते हैं वही ये वही प्लांट्स हैं जो आपके गार्डन के अंदर आप देखते हैं ठीक नेक्स है नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स जिसने हमने मीज़ोफाइट का बताया कि मीडियम रेंज ठीक है मीजोमिन मीडियम थे अब यहाँ पे हाइड्रो अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें हाइड्रो हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट फाइटमिन प्लांट कि दो प्लाट विच ग्रो इन वाटर आर नियर वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहें जो पानी के अंदर रहें या उन प्लेसेस पर रहें जहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे ठीक है फिर अगर हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताएं कि दे आर द प्लांट्स विच लिव इन फ्रेश वाटर ठीक है वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं लाइक like पाउंडस के अंदर रिवर्स के अंदर स्ट्रीम के अंदर ठीक है ना और लेक्स के अंदर होते हैं झीलों के अंदर जो प्लांट्स लगे होते हैं इनको हम बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स अब हाइड्रोफाइट्स क्यों बोलेंगे इसलिए बोलेंगे ये ये पानी के अंदर रहते हैं ठीक है ना वाटर की ऑन एंट्रिंग देयर बॉडी थ्रू द होल सर्विस फिर क्या होता है कि ये जो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं जिस तरह हमने बताया था कि मिजोफाइट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो रूट्स के जरिए होता है क्योंकि वहाँ पर वेल डिवेलप रूट सिस्टम होता है लेकिन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है ये वाटर कहाँ से ऑब्जॉर्ब करते हैं ये वाटर अपनी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है इनके सिर्फ रूट से वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं होता ये बॉडी के हर पार्ट से वाटर को ऐब्जॉर्ब कर सकते हैं ठीक है ना दे रिमूव दिस वाटर एक्स्ट्रा वाटर फ्राम देयर बॉडीज बाई डिफरेंट वेज ठीक है ना अब ये सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर से जो वाटर है उसको हर पार्ट से रिलीज रिमूव कर सकते हैं ठीक है ना जिसने हमने बताया था मीजोफाइट के अंदर कि वहाँ पे जो वाटर रिमूव हो रहा है वो लीव्स के टिप्स से भी हो सकता है वो स्टोमेटा के प्रोसेस के जरिए भी हो सकता है ठीक है जिसमें ट्रांसप्रेशन का प्रोसेस बढ़ते हैं या एवोप्रेशन का प्रोसेस बढ़ते हैं ठीक है तो इन प्लांट के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी के हर पार्ट से ये वाटर को रिमूव कर सकते हैं ठीक है रूट्स आर रिड्यूस्ड एंड विदाउट रूट हेयर्स यहाँ पे वेल डिवेलप रूट सिस्टम नहीं है ठीक है इनके जो रूट हैं वो रिड्यूस्ड हो चुकी हैं वो बहुत छोटी होती हैं ठीक है ना और सम टाइम तो ऐसा होता है, है कि इनकी रूट हेयर्स भी नहीं होते क्योंकि रूट हेयर्स इसलिए नहीं होते इनकी पूरी बॉडी क्या कर रही होती है वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकती है ठीक है ना आ, फिर दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि सारी बॉडी के प्रोसेस सारी बॉडी के पॉट्स अपने वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं लीव्स हैव लॉन्ग सर्फिस एरिया जो हमारे मीज़ोफाइड्स के प्लांट्स थे उनका जो लीव सर्फेस था वो इतना बड़ा नहीं होता ठीक है वो नॉर्मल होता है लेकिन जो वाटर जो प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं इनका लीव का सर्फेस एरिया बहुत बड़ा होता है ठीक है अब ये लीव का सर्फेस एरिया क्यों बड़ा होता है क्योंकि जब लीव का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी वहां पर क्या होंगे ज्यादा होंगे तो जब नंबर ऑफ स्टोमेटाज वहां पर ज्यादा होंगे ठीक है तो प्लांट ईजिली वाटर को इंटेक भी कर सकेगा और वाटर को रिमूव आउट भी कर सकेगा ठीक है इसको ये फ़ायदा होता है स्टेम्स और थिन एंड फ्लेक्सिबल जैसे हमने वहाँ बताया था कि स्टेम वांग की जो जोजोफाइट की थी वो सॉलिड थी यहाँ पे जिसकी जो स्टेम होती है ये थिन होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है ये हार्ड नहीं होती ठीक है ये फ्लेक्सीबल होती है ये मतलब मुड़ भी सकती है जिस ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेला एक प्लांट है ये इसकी एग्जाम्पल है एजोला एक प्लांट है, है। लेमनाम प्लांट है फिर वाटर लिली ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हाइड्रोफाइट्स की में उसम कैटेगरी में आते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा दूं कि ये देखें ये प्लांट ये कहाँ पे ये वाटर के अंदर रेयर रह हैं और इनकी बॉडी के जो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह मैच कर रही हैं है हाइड्रोफाइट के साथ ठीक है फिर नेक्स्ट प्लांट है जीरोफाइट्स जिस तरह हमने पढ़ा मीज़ोफाइट का हाइड्रोफाइट्स का इसी तरह एक जीरोफाइट में एक प्लांट है अगर हम इस वर्ड को डिफाइड करें जीरो जीरोमिन ड्राई ठीक है ना जीरो जीरोमिन ड्राई एंड फाइटमिन प्लांट के दोज प्लांट विच आर ग्रोन इन ड्राई प्लेसेस ठीक है कि वो प्लांट जो ड्राई एरिया में होते हैं जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है ठीक है जहाँ पे वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती बहुत डिफिकल्ट से उनको वाटर कभी कभार मिल जाता है ठीक है तो उन प्लांट को हम क्या बोलेंगे ज़ीरोफाइट के दोज प्लांट विच आर ग्रोन इन ड्राई प्लेस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स दे आर अडाप्टेड टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर कि इनको वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स और मिजोफाइट्स हैं ठीक है ना अगर हम जीरोफाइट्स की बात करें कि दे हैव डीप रूट टू एब्जॉर्व वाटर फ्राम ऑलमोस्ट कि जिस तरह हमने बताया था कि मीज़ोफाइट और हाइड्रोफाइट के अंदर कि मीज़ोफाइट के अंदर वेल डिवेलप रूट सिस्टम है ठीक है ना क्योंकि वहाँ पे उनको वाटर तो मिल रहा है लेकिन फिर भी वाटर को लेने के लिए उनको रूट के सिस्टम की जरूरत पड़ती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट सिस्टम था ही नहीं बहुत कम था रूट हेयर्स भी नहीं था क्योंकि उनको वाटर की असेसिबिलिटी है उनको इजीली वाटर मिल जाता है लेकिन ज़ीरो फाइट के अंदर क्या है वेल डिवेलप्ड रूट सिस्टम है ठीक well है ना वो इसलिए वेल डिवेलप्ड रूट सिस्टम है कि इनको वाटर लेने के लिए बहुत नीचे ग्राउंड की तरफ जाना पड़ता है ठीक है ना इनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट को वाटर तो चाहिए तो वो वाटर लेने के लिए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम को बनाता है डीप रूट सिस्टम कहलाता है अपना बनाता है ठीक है ना फिर अगर बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं ये वाले इस ज़ीरो फाइट प्लांट इनके जो टोमेटा हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं अब लीव्स इसलिए छोटे होते हैं जब लीव छोटे होंगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी उसके ऊपर कम होंगे जब नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा ठीक है अब अगर आप इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखें कि जो ये, ये एक प्लांट है ठीक है इस प्लांट में आप देखें कि इसका लीव बहुत स्पाइंस के फॉर्म में इसके लीव बिल्कुल है ही नहीं वो किस लिए नहीं है जब लीव्स नहीं होंगे तो इसका स्टोमेटा भी नहीं होंगे तो जब स्टोमेटा बहुत कम होंगे तो वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा कम होगा ठीक है ना फिर अगर बात करें जीरो फाइट की कि लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन कि मैंने जैसे बताया कि जिनके जो, जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होते।, होते हैं एक कांटेदार होते हैं कांटों की तरह होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये ट्रांसपेरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं जब ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वाटर लॉस भी बॉडी के अंदर से नहीं होगा फिर जैसे हमने बताया कि रूट्स इसकी बहुत लॉन्ग होती हैं वो इसलिए लॉन्ग होती हैं कि इनको वाटर के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ठीक है ना कि स्टेम हैव वाटर स्टोरेज टिशू टू रिजिस्ट ड्राई कंडीशन जिस तरह हमने बताया था कि आ, आ, जीरो सॉरी हाइड्रोफाइट और मिजोफाइट के अंदर कि एक स्टैम होती है ठीक है जी थिन होती है एक स्टेम सॉलिड होती है लेकिन जो ये स्टेम ज़ीरो फाइट की होती है स्टेम होती है इसके अंदर स्टोरेज टिश्यू होते हैं ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ठीक है ना वाटर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ये स्टोरेज किससे कर रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं प्लांट्स के इस स्टेम के अंदर जो इस वाटर को स्टोर कर रहे होते हैं फिर अगर बात करें कि स्टोमेटा और संग एंड वेरी फ्यू नंबर्स जो इसके स्टोमेटा हैं ये संक टाइप होते हैं ये अंदर की तरफ मुड़े होते हैं ठीक है वो इसलिए होते हैं कि ये वाटर के लॉस को रोकते हैं क्योंकि वाटर की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है तो इस डेफिशिएंसी को बचाने के लिए वाटर वो टोमेटा जो इसके इस्टोमेटा हैं ये संगक हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि वाटर लॉस कम हो जाता है और जितने स्टोमेटा कम होंगे उतना वाटर लॉस भी कम होगा तो इसके नंबर ऑफ स्टोमेटा भी एज कम्पेयर टू द हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स और वेरी लेस इन नंबर्स ठीक है फिर अगर हम इसके इसकी बात करें कि कौन कौन से प्लांट जो इसमें आते हैं इस एग्ज़ाम्पल में आते हैं वो कैक्टस आता है कैशिया आता है और यूका आता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो इसमें लाए करते हैं फिर जो हमें बात करें हम बात करेंगे स्टेम्स और अगर हम किसी जिनकी स्टेम्स की बात करें एक और पॉइंट ये भी है कि जो इनकी स्टेम ये सॉफ्ट होती हैं ये जूसी जू जूसी टाइप होती हैं ठीक है ना और सकुलेंट ऑर्गन होते हैं ठीक है ना और इसको हम सकुलेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वाटर को स्टोर किया होता है ठीक है ना क्योंकि ये सॉफ़्ट होती हूँ जब एक स्टेम सॉफ्ट होगी तो उसका मतलब यही होगा कि उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कंसनट्रेशन इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी है तो ये प्लांट क्या करता है वाटर को स्टोर कर लेता है ठीक है जैसे मैंने आपको इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया कि ये जो आ, कैक्टिस का के एक प्लांट है डेजर्ट के अंदर ये होता है वो इसकी जो स्ट्रक्चर आप ये देखें कि जो इसका एक तो पहले जिस स्टैम है इसकी सॉफ्ट टाइप की है कि इसलिए किसने वाटर को स्टोर किया हुआ है दूसरे के ऊपर लीव्स कोई नहीं है लीव्स हैं भी तो वो स्पाइन की फॉर्म में वो इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को कम किया जाता है फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर हेलोफाइट्स की ठीक है यहाँ पर हेलोफाइट्स मैंशन नहीं किया गया कि मीन सॉल्ट फाइट मिल प्लांट कि वो प्लांट दोज प्लान विच लिव इनिट्स हैबिटेड्स विच विथ सॉल्टी वाटर्स ठीक है कि वो प्लांट जो सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हेलोफाइट्स जिस तरह के हम वर्ड्स को अगर मैं इस वर्ड को बता दूँ कि हेलोफाइट हैलोमिन सॉफ्ट एंड फाइटमिन प्लांट ठीक है ना हेलोमिन सॉल्ट एंड वायटमिन प्लान वो प्लान्टो सॉल्टी फा वाटर के अंदर रहें उसका बोल क्या बोलते हैं हेलोफाइट्स प्लान बोलते हैं और जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसट्रेशन लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो ये क्या करते हैं अपने सॉल्ट कंस्ट्रेशन को जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट कंस्ट्रेशन वो लेस है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखते हैं तो ये किस तरह मेंटेन रखते हैं कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर से सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं किस तरीके के साथ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है ना फिर इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि जो बर्न की बॉडी के अंदर जो वाटर है वो बाहर मूव नहीं करता सेल से ठीक है ना वाटर से मूव नहीं करता और जो एक्सेस साल्ट है इनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है ठीक है ना मेनी टाइप्स ऑफ ग्रॉसेज जो है इसमें एक एग्जाम्पल में, में लाइक हम ग्रॉसेस की बात करें ठीक है जो आ, उस एरिया में रहती हैं जहाँ पर सॉल्ट कंसट्रेशन क्या होती है ज़्यादा होती है तो ये क्या करती हैं कि अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्ट कंसट्रेशन कम है उसको एक्सटर्नल इन्वामेंट के साथ मेंटेन रखती हैं आज हमने तकरीबन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन पढ़े कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑस्मो रेगुले होमस्ट्स के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं फिर हमने पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है कि मीजोफाइड हाइड्रोफाइट्स और जीरो फाइट हाइलोफाइट्स इनशाला हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं लेक्स्ट चेक के अंदर मिलते हैं और हम हम फर्दर डिटेल के साथ फर्दर डिस्कस भी करेंगे अगर आपको किसी टॉपिक की समझ ना आई हो इसमें तो प्लीज़ अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी था लेकिन ये कंसेप्चुअल था तो अपने आप अपनी बुक के साथ भी कंसर्न करें अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट सेक्शन में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि